भयावह दृश्य था। मैं तो यहाँ की जनता का दाद देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया, प्रथम व्यक्ति आकर के लोगों ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को खबर किया, जिलाध्यक्ष को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भागते हुए सारे लोगों को टेलीफोन करके हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। और NDRF को मैंने 10 बजे के लगभग नौकछा में मुझे खबर आई, मैंने रेल मंत्री से लेकर के तमाम प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भेजा, सबका इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। GM और तमाम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, DG, यहाँ के DM, तमाम बगल अगल के DM सबको खबर किया, हॉस्पिटल को अलर्ट किया, एम्स को, PMCS सब जगह कि आपके यहाँ पेशेंट आ सकते हैं, आप डॉक्टर को बुलाओ। और यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ियाँ डॉक्टर के साथ लोग जगह जगह से पहुँचना शुरू हुआ, अन्य जिलों से भी। अचानक से काफ़ी तेज़ से आवाज़ हुई और लाइट वगैरह सब बंद हो गई, सब काफ़ी तेज़ से जो है चीखने पुकारने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी सर। आप यहाँ कैसे आए? तो हम किसी तरह वहाँ से दबे हुए थे, हम किसी तरह अपने आप को वहाँ से निकाल करके यहाँ आए सर। किसी में दबे थे? लोग आपके ऊपर गिर गए थे? लोग गिर गए थे, बर्थ मेरे ऊपर गिरी थी। मैं दवा खा के सो रहा था घर पे, 10 बजे रहे थे करीब, और उस समय एक छोटा बच्चा आया, बोला कि बाबा ट्रेन पलट गई है। तो मैंने सोचा कि बच्चा कह रहा तो कोई जरूर ऐसा हुआ होगा। मैं तुरंत उठा और मोटरसाइकिल उठाया और आया, मोटरसाइकिल अगर देख रहा हूँ तो पूरा गांव टूटा हुआ है और एक बोगी से लोग लगभग रेस्क्यू कर लिए थे। जो 27 बोगी है, जो ज़्यादा इंजर्ड उसमें लोग थे, उसको तोड़ा जा रहा था, उसके कांच तोड़े जा रहे थे, उसमें से हम लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और लोगों को स्ट्रेचर पर लाद लाद करके और एम्बुलेंस तक लाते थे, एम्बुलेंस से यहाँ पर। और पूरा पूरा गांव लगा रहा, लोगों के लगने के बाद, गांव के लगने के बाद लगभग एक घंटे बाद प्रशासन पहुंचा है। बहुत भयावह दृश्य था।